आज हम जनपद हरिद्वार के गांव नगराया माध में हमारे प्रगतिशील किसान श्री राजकुमार जी के खेत में नैनो यूरिया प्लस सागरी का तरल का डेमो लगाया था, जिसका एक छोटा लेखा जोखा इनके साथ शेयर करना चाहेंगे। इनको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, कैसा इन्होंने अपनी प्रैक्टिस में किया और कैसा डेमो वाले में। मैं किसान से अनुरोध करूँगा कि वो बताएँ कि उनको नैनो यूरिया प्लस सागरी के वाले में कैसा रिजल्ट है और जो उन्होंने खुद अपनी प्रैक्टिस से किया हुआ है उस पर उनको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। जिसमें नैनो और यूरिया और सागरी का लगाई है उसमें थोड़ी बाली भी बड़ी आई है, स्वस्थ आई है। हाँ जी, हाँ जी। और वो पत्ता भी थोड़ा चौड़ा हुआ है। अच्छा, उससे जो वैसा था वो इसमें थोड़ी लंबाई भी बढ़ी है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। ये स्वस्थ भी है उससे। जैसे आपने नैनो यूरिया और सागरी का तरल का स्प्रे किया था, इनकी डोज क्या क्या रखी गई थी? 2 से 4 रखी गई थी इनकी डोज। 2 ml सागरी का तरल, हाँ, और 4 नैनो यूरिया। 4 नैनो यूरिया, हाँ। तो आगे आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहोगे? जैसे कि अब गन्ने की फसल है, गन्ने में किसान यूज करेंगे, अब धान की फसल आ जाएगी, धान में कैसे सलाह देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा नैनो यूरिया और सागरी का ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ये किसान के द्वारा बताया जा रहा है। तो मैं भी अनुरोध करूँगा किसानों से, किसान भी सागरी का वह नैनो यूरिया का प्रयोग करें, कि गन्ने की फसल अब उस स्टेज पे आ चुकी है जो कि हमारी पेडी है, उस स्टेज पे आ चुकी है कि हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं। पहली खुराक दानेदार यूरिया और उसके बाद नैनो यूरिया प्लस सागरी का लिक्विड। धन्यवाद।